नाउ so स्टूडेंट्स अब हम ये देखते हैं कि व्हाट इज गूगल एडवर्ड गूगल एडवर्ड है क्या उसकी अब हम डिटेल्स को समझते हैं अब बिफोर आई प्रोसीड टू के ये काम कैसे करता है जस्ट लुक एट द स्क्रीन अब ये आपके सामने एक मैंने सिर्फ एक सैंपल शो करने के लिए कि एडवर्ड है क्या चीज़ मैंने कुछ सर्च किया मैंने फॉर एग्जाम्पल लिखा बिल्ड अ मार्केट प्लेस तो आपको दो तरह की सर्च गूगल के ऊपर नजर आएगी एक वो सर्च होती है जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक सर्च और एक वो सर्च होती है जिसको हम बोलते हैं पेड सर्च यहां पर मैं सिर्फ एक पॉइंट क्लियर कर दूं कि जब आप लिखेंगे फॉर एग्जांपल बिल्ड अ मार्केट प्लेस तो हो सकता है कि यह पेज नजर ना आए क्योंकि हर वक्त एडवर्टीजमेंट चेंज हो रही होती है तो मैंने सिर्फ एक स्निपेट उठाया है स्नैपशॉट उठाया है सिर्फ आपको यह बताना है जो ऊपर आपको रेड वाला बॉक्स नजर आ रहा है ट इज दूगल एड है यानी गूगल एडवर्ड है इट इज अ पेड एड और जो दूसरी सर्च है दैट इज ऑर्गेनिक रिजल्ट यानी ये पेड एड नहीं है यूं कह लें यानी इसके साथ आपको को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट हुआ हुआ नजर नहीं आएगा अब गूगल एडवर्ड यानी वो एड जो सबसे टॉप पर नजर आ रहा है ये जो मैंने कीवर्ड लिखे ना बिल्टअ मार्केट प्लेस या जो अब मैं सर्च करने की कोशिश कर रहा हूँ उसके हिसाब से नियरेस्ट मैच है यानी सबसे रेलिवेंट एडवर्टीजमेंट मुझे ऑन द टॉप नजर आ रही होगी दिस इज बेसिकली डिफरेंस बिटवीन गूगल एड एंड ऑर्गेनिक रिजल्ट अब हम ये देखते हैं कि गूगल एडवर्ड काम कैसे करता है अगेन जस्ट अ री कैप जो एडवर्ड है इट इज अ ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग सर्विस जहां पे दो की प्लेयर्स हैं एक एडवर्टाइजर और एक यूजर यानी मैं ठीक है आपको एडवर्टाइजर का नाम भी मिलेगा एजेंसी का नाम भी मिलेगा अब पब्लिशर का नाम भी मिलेगा सब एक ही चीज है आसान लफ्जों में एक कंपनी है उसके पास कोई प्रोडक्ट है और उसने कंपनी ने वो प्रोडक्ट सर्च इंजन गूगल के पास लेके जाना है ताकि मैं जब सर्च करूं एज अ यूजर उस प्रोडक्ट को जो वो कंपनी ऑफर कर रही है तो उसका उस कंपनी का एड गूगल में नजर आ जाए जो मैंने आपको अभी दिखाया तो जो एडवर्ड है वो बेसिकली जो स्टार्ट होता है वो उस वो होता है द कीवर्ड के मैं एज अ कंपनी ये बता रहा हूं गूगल को कि जब यूजर इन कीवर्ड्स को सर्च करे या तो या रेलिवेंट कीवर्ड्स को सर्च करे तो मेरा एड दिखा दो यूजर को एज एज माय प्रोडक्ट तो दिस ट्रांसलेट टू इसका मतलब ये है कि जो गूगल है जो एडवर्ड है वो बेसिकली पे पर क्लिक पी पी सी मॉडल के ऊपर काम करता है मतलब आसान लफ्जों में कि मेरा एडवर्टीजमेंट उस यूजर को दिखा दो जिस यूजर ने वो कीवर्ड गूगल में टाइप किया है जो मैं एज अ कंपनी जो प्रोडक्ट ऑफर कर रहा हूं उन कीवर्ड से नीटेस्ट मैच करता तो जब वो एडवर्टीजमेंट यूजर देखेगा तो उस पर जब वो क्लिक करेगा तो वो एडवर्टाइज़ यानी वो कंपनी की वेबसाइट पे डाइवर्ट हो जाएगा जिसने ये एड पब्लिश किया इससे मुराद ये है कि एज अ कंपनी एज अ एडवर्टाइजी एज एडवर्टाइज़र गूगल मुझसे उस वक्त पैसे चार्ज करेगा जब कोई क्लाइंट या कोई यूजर मेरे एड पे क्लिक करेगा दिस इज पे पर क्लिक तो एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग द गूगल एडवर्ड मैं गूगल को कुछ बजट बताऊंगा जो हम अभी आगे जाके इसका पूरा प्रोसेस देखेंगे पूरा बजट बताऊंगा कि मैं एक दिन में कितने पैसे खर्च करना चाह रहा हूं और गूगल मुझे यह बताएगा कि मेरे दिए हुए बजट के अगेंस्ट कितने क्लिक्स कितने इंप्रेशन मुझे डेली बेसिस पे मिलेंगे इससे मुराद ये है कि जब क्लाइंट डाइवर्ट हुआ एडवर्टाइज वेबसाइट के ऊपर यानी एडवर्टीजमेंट वाली वेबसाइट के ऊपर तो हमें दो चीजें दिमाग में रखनी है एक इंप्रेशन यानी अब इंप्रेशन को समझने आसान लफ्जों में इंप्रेशन से मुराद ये अब हमें यह पता है कि एट अ पर्टिकुलर टाइम डेली बेसिस के ऊपर आवर्सिस ऊपर बिलियन ऑफ सर्चेस होती हैं गूगल के थ्रू यह हमें पता है एन नंबर कैन वेरी तो इंप्रेशन से मुराद ये है कि इट इज द काउंट ऑफ हाउ मैनी टाइम एड इज शोन इन गूगल सर्च रिजल्ट ये इंप्रेशन है यानी एक कंपनी है उसने अपना गूगल एड उसने गूगल को पे किया यानी उसने एडवर्टीजमेंट क्रिएट किया यूजर ने कोई सर्च किया तो वो एडवर्टीजमेंट कितनी मरतबा शो हुआ है सर्च में अभी क्लिक नहीं हुआ सिर्फ शो हुआ है इसको हम लोग इंप्रेशन बोलते हैं अगर 100 यूजर ने ऐसी को सर्च कर दी है कि आपका गूगल एडवर्ट शो हो गया है तो इंप्रेशन 100 हो जाएंगे तो अभी क्लिक कहीं नहीं हुआ तो ये नंबर ऑफ इंप्रेशन है बहुत सिंपल उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट है सी टी आर अ क्लिक थ्रू रेट सी टी आर है कि एक्चुअली कितनी मरतबा लोगों ने एड पे क्लिक किया उसका काउंट ये सी टी आर है अ क्लिक थ्रू रेट के इंप्रेशन जितने भी मेरे इंप्रेशन हैं उनमें से कितनों पे क्लिक हुआ है तो अगर मैं फॉर्मूला निकालना चाहूं सी टी आर का दैट इज नंबर ऑफ क्लिक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंप्रेशन ये मेरा सी टी आर क्लिक थ्रू रेट आसान लफ्जों में अगर मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं अगर एक एडवर्ड है उसको सौ मरतबा उसके इंप्रेशन सौ उसके इंप्रेशन है एट अ पर्टिकुलर टाइम मतलब यह है कि सौ लोगों ने या सौ डिफरेंट दफा वो पे, जो एडवर्ड है वो सर्च रिजल्ट में आया तो नंबर ऑफ इंप्रेशंस जो है वो हो गए हंड्रेड अब जो क्लिक थ्रू रेट है वो ये है कि सौ में से कितनी मरतबा यूजर ने एडवर्ड पे क्लिक किया है दैट इज द नंबर ऑफ क्लिक्स लेट सपोज वो फाइव है तो जो सी टी आर है जो हमने अभी फार्मूला देखा है दैट इज नंबर ऑफ क्लिक्स दैट इज फाइव डिवाइडेड बाय हंड्रेड हंड्रेड इज द नंबर ऑफ इंप्रेशंस तो इसका मतलब है दिस इज अराउंड जीरो पॉइंट जीरो फाइव अगर मैं इसी को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दूं सो तो सी टी आर परसेंटेज वुड बी हंड्रेड इंटू फाइव यानी हंड्रेड मैंने परसेंटेज के लिए डिवाइडेड बाई हंड्रेड दैट इज फाइव परसेंट इसका मतलब यह है कि सी टी आर का जो रेट है वो हाई उस वक़्त होता है जब आपके नंबर ऑफ क्लिक्स ऑब्वियसली ज्यादा होंगे द हायर द नंबर ऑफ क्लिक्स द हायर द सी टी आर रेट वुड बी तो इससे मुराद ये है कि अगर आपने किसी भी वेब पेज की या किसी भी एड की आपने परफॉर्मेंस देखनी है ना तो उसका जो सबसे बड़ा मैट्रिक है या सबसे सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका इंडिकेटर है वो आप कह लें कि वो सी टी आर है सी टी आर आपको यह बता रहा है कि हाउ गुड और लेस गुड योर गूगल एडवर्ड इज मतलब अगर जो आपका एडवर्ड है वो अगर आ, ज्यादा आई कैचर होगा ज्यादा रेलिवेंट होगा तो ऑब्वियसली लोग उस पर ज्यादा क्लिक करेंगे जब ज्यादा क्लिक करेंगे तो दे इज अ चांस के आ, जो आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक है जो आपकी वेबसाइट पे आनी है वो ज्यादा होगी तो गूगल आपसे पैसे भी चार्ज करेगा ऑब्वियसली यानी पर क्लिक चार्ज करेगा लेकिन आपको एज अ कंपनी एज अ एडवर्टाइजर ये फायदा हो रहा है कि यू आर गेटिंग ट्रैफिक तो ट्रैफिक एवरी सिंगल क्लिक इज अ पोटेंशियल कस्टमर सिंपल तो आपको जो बिजनेस मॉडल है यानी आपने कस्टमर को आ, अपने प्रोडक्ट की तरफ लेके आना है तो वो आपके बेसिकली सी के जरिए या क्लिक थ्रू रेट के जरिए आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि, कि कितने यूजर्स ने क्लिक किया वेबसाइट के ऊपर कितने यूजर्स ने एड पे क्लिक किया कितने है कितने यूजर ने इंप्रेशन अभी जनरेट हुए हैं तो इन स्टैटिस्टिक्स इन की मदद से आप गूगल एडवर्ड की या इनडायरेक्टली तो दैट इज द बिजनेस मॉडल और हाई लेवल ओवरव्यू ऑफ हाउ गूगल एडवर्ड वर्क